Hello everyone, welcome to the channel. I am back with another video on the Tribune Vocabulary series. In this video, what we are going to do is we are going to learn different vocabulary words with the help of visualization technique. With the help of visualization technique, we can learn these words very easily, very quickly, and we can retain these words in our memory for a longer period of time. So, let's get started. <music> As you can see, the title of the article is best foot forward. Best foot forward means to try to make a very good impression or to act at one's best. मतलब अपना best देना या बहुत अच्छा impression बनाने की कोशिश करना बहुत अच्छा impression छोड़ने की कोशिश करना तो वहाँ पे ये word use होता है best foot forward. Next line is government reaffirms focus on healthcare and agriculture. अब यहाँ पे जो word आया है that is reaffirms. अफॉम का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को पक्का करना या किसी चीज़ को दृढ़ करना या किसी चीज़ को स्ट्रोंगली बताना स्टेट करना मीन्स स्टेट समथिंग स्ट्रांगली रीअफ़ॉर्म का मतलब हुआ री मीन्स दोबारा तो रीअफ़ॉर्म मीन्स स्टेट अगेन स्ट्रोंगली यानी पुनः दृढ़ करना तो यहाँ पे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट ने रीअफ़ाम किया फोकस ऑन हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर यानी गवर्नमेंट ने पुनः दृढ़ किया कि वो फोकस करेगी किसके ऊपर हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा के ऊपर और एग्रीकल्चर यानी कृषि के ऊपर द न्यूली recast Union यूनियन कैबिनेट हैज़ हिट द ग्राउंड रनिंग विद अ स्ल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स आए हैं पहला वर्ड यहाँ पे आया है recast। recast का मीनिंग देखते हैं कास्ट का मतलब होता है किसी चीज को कास्ट करना बनाना तो recast का मतलब हुआ दोबारा से बनाना पुनः निर्माण करना ठीक है जिसको हम बोल सकते हैं रिपेयर करना या रीमेक करना या री एडजस्टमेंट करना तो री मींस मीन्स रीमेक और री एडजस्टमेंट नेक्स्ट यहाँ पे आया है हिट द ग्राउंड रनिंग हिट द ग्राउंड रनिंग एक ईडियम है जो कहाँ पे यूज होता है जब हम कहते हैं टू स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट अ फास्ट पेस विद ग्रेट एंथुजियाजम मींस कोई चीज़ स्टार्ट करना इनिशिएट करना और उसको फिर फास्ट पेस पे कंप्लीट करना और वो भी ग्रेट एंथुजियाजम के साथ तो वहां पे यूज होता है हिट द ग्राउंड रनिंग मीन्स किसी चीज को बहुत एंथुजियाजम से स्टार्ट करना और एंड तक लेके जाना अस्ल्यू ऑफ अ स्लू ऑफ का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग जैसे हम बोल सकते हैं अ स्ल्यू ऑफ बुक्स स्लू ऑफ बुक्स का मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है स्लू ऑफ कॉन्फिडेंस तो मतलब कॉन्फिडेंस से भरपूर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस तो अब पूरी लाइन देख लेते हैं रिकास्ट यूनियन कैबिनेट हैज हिट द ग्राउंड रनिंग विद्लू ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो नई री हुई है पुनः निर्मित हुई है यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल उसने क्या किया हैज हिट द ग्राउंड रनिंग With अ स्ल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अ स्ल्यू ऑफ मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास बिल्डिंग मतलब आत्मविश्वास को बढ़ाना मेजर्स मतलब उपाय ठीक है तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपायों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया हैज हिट द ग्राउंड रनिंग मतलब ये उसने इनिशिएट किया है ग्रेट एंथियाज्म के साथ ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग The Cabinet on Thursday approved a 23,123 crore package for improving health infrastructure to fight the COVID-19 pandemic. During its first meeting, अपनी first meeting के दौरान, the Cabinet मंत्रिमंडल ने on Thursday, गुरुवार को approve कर दिया, सहमति दे दी, ₹23,123 crore, 23,123 करोड़ के package को फॉर इम्प्रूविंग बेहतरी के लिए बेहतर बनाने के लिए किसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं अवसंरचना अवसंरचना टू फाइट द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक कोविड नाइन्टीन की जो पेंडेमिक यानी महामारी है उससे जूझने के लिए बिसाइड्स अलाउविंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी जिसको ए बोलते हैं टू यूटिलाइज वन लाख करोड़ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बिसाइड्स अलाउिंग का मतलब होता है बिसाइड्स मीनस इसके अलावा किसके अलावा जो अगली लाइन में बात कर रहा है एक लाख करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी उसके अलावा कहते हैं जो ऊपर के तेईस हज़ार एक सौ तेईस करोड़ के जो सहमति दी गई है वो एक लाख करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी के अलावा है ठीक है बिसाइड्स अलाउंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एग्रीकल्चर मीन्स कृषि प्रोड्यूस मीन्स उपज मार्केट मीन्स विपणन बोलते हैं हिंदी में इसको कमिटी मीन्स समिति ठीक है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की बात हो रही है कृषि उपज विपणन समिति उसको अलाउ किया जा रहा है क्या टू यूटिलाइज कि वो उपयोग कर सकती है यूज़ कर सकती है रुपीज़ वन लैख करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी फाइनेंसिंग मीन्स वित्तीय फैसिलिटी मीन्स सुविधा फाइनेंसिंग फैसिलिटी को अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर मीन्स कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अवसंरचना फंड मीन्स कोष ठीक है तो कृषि अवसंरचना कोष के अंडर एक लाख करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी को यूज कर सकती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी विद दीज डिसीजन्स द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली जीरोड इन ऑन इट्स प्रायोरिटी सेक्टर्स हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर अब यहाँ पे जो वर्ड आया है जीरोड इन जीरो डिन का क्या मतलब होता है जीरोड इन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर अपना पूरा फोकस डालना टू फोकस ऑल योर अटेंशन इन वन डायरेक्शन ठीक है अपना पूरा ध्यान एक ही डायरेक्शन में लगाना तो वहां पर हम बोलते हैं जीरोड इन तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है विथ दीज डिसीजन मतलब ऐसे फैसलों के साथ यूनियन गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार ने हैज़ क्लियरली जीरोड इन क्लियरली मनी स्पष्ट तरीके से क्या किया है फोकस किया है जीरोड इन यानी फोकस किया है ऑन इट्स प्रायोरिटी सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर्स मतलब जिनको प्राथमिकता दी जाती है ऐसे सेक्टर्स की बात कर रहा है वो कौन से हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर द वेनिंग ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइनटीन हैज गिवन द सेंटर ब्रीदिंग स्पेस टू रिव्यू एंड ऑर्गूमेंट इट्स पेंडेमिक प्रपेयरनेस बाय प्लगिंग वेरियस गैप्स अब इस लाइन में कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं सबसे पहला जो वर्ड यूज हुआ है वो है वेनिंग निंग का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना डिक्रीज होना रिड्यूस होना तो वेनिंग मीन्स डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फिर नेक्स्ट जो वर्ड आया वो है ब्रीदिंग स्पेस गिवन द सेंटर ब्रीदिंग स्पेस किसी को ब्रीदिंग स्पेस देना इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं विश्राम दे रहे हैं मतलब थोड़ा टाइम दे रहे हैं उसको कि वो कुछ और भी कर पाए गिवन द सेंटर ब्रीदिंग स्पेस टू रिव्यू एंड ऑगमेंट ऑगमेंट का मतलब होता है increase करना बढ़ाना इंक्रीज़ करना बढ़ाना फिर एक वर्ड आया है प्लगिंग प्लगिंग का मतलब होता है जो गैप्स है उसको फिल करना प्लगिंग वेरियस गैप्स प्लगिंग का मतलब किसी चीज को फिल करना भरना तो अब पूरी लाइन का मतलब देखते हैं द वेनिंग ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइनटीन द सेंटर ब्रीदिंग स्पेस टू रिव्यू एंड ऑगमेंट इट्स पेंडेमिक प्रिपेयरनेस बाय प्लगिंग वेरियस गैप कहते हैं द वेनिंग ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइन्टीन जो दूसरी लहर है कोविड नाइनटीन की उसके कम होने से क्या हुआ है हैज गिवन द सेंटर ब्रीदिंग स्पेस तो इससे जो केंद्र है केंद्र को क्या मिला है ब्रीदिंग स्पेस मिली यानी कि विश्राम मिला है टाइम मिला है कि वो क्या कर सके रिव्यू एंड ऑगमेंट इट्स पेंडेमिक प्रपेरनेस कि जो महामारी के लिए उसकी तैयारी है उसको क्या कर सके रिव्यू कर सके यानी उसकी समीक्षा कर सके जांच कर सके एंड ऑगमेंट यानी उसको बढ़ा सके उस तैयारी को बढ़ा सके बाय प्लगिंग वेरियस गैप्स यानी अगर उनमें कोई गैप्स हैं कोई अंतर है तो उनको भर के The overarching objective is to ensure that authorities are not caught off guard and ill-equipped as एंड वेन द थर्ड वेव हिट्स द कंट्री अब यहाँ पे जो दो वर्ड आए हैं वो है एक है ओवर आर्चिंग और दूसरा है कॉट ऑफ गार्ड ओवर आर्चिंग का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट या ओवरऑल ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव मतलब जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं वो क्या है इज टू एंश्योर दैट द अथॉरिटीज आर नॉट कॉट ऑफ गार्ड ऑफ गार्ड का मतलब होता है कि कोई पर्सन अनप्रपेयर्ड है तो कॉट ऑफ गार्ड मतलब किसी को अनप्रपेयर्ड है तो उसको पकड़ना नॉट कॉट ऑफ गार्ड मीन्स कि अनप्रपेयर्ड ना पकड़ा जाए ठीक है मतलब पूरी तैयारी करके रखना एंड इलिक्विप एज एंड वेन द थर्ड वेव हिट्स द कंट्री तो पूरी लाइन का मतलब है ना द ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर कहते जो पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है टू इन्श्योर यानी इन्श्योर करना सुनिश्चित करना दैट द अथॉरिटीज आर नॉट कॉट ऑफ गार्ड कि जो अथॉरिटीज है वो अनप्रिपेयर ना रहे एंड इल इक्विप्ड ना रहे एज एंड कंट्री की जब भी जो तीसरी लहर है कोविड की वो कंट्री को देश को हिट करती है नेक्स्ट लाइन द एक्शन प्लान सजेस्ट दैट द लेसन है नाइट मैरिज एक्सपीरियंस ऑफ द सेकेंड वेव नाइट मेरेज का मतलब होता है कोई भयानक सपना जब हम देखते हैं अ ड्रेडफुल ड्रीम अ ड्रेड फुल ड्रीम कोई बुरा सपना तो कहते जो एक्शन प्लान है यानी जो कार्य योजना है वो सजेस्ट करती है दैट लेसन हैव बिन ड्रॉन फ्रॉम द नाइट मैरिज एक्सपीरियंस ऑफ द सेकेंड वेव कि जो कोविड की दूसरी लहर थी उससे जो उनको नाइट मैरिज एक्सपीरियंस हुआ था मतलब जो उनका भयानक एक्सपीरियंस रहा है अनुभव रहा है दूसरी वेव से

ऑक्सीजन की वेंटिलेटर्स की आईसीयू बेड्स की और दवाइयों की एज़ एंड वेन द फार्मर्स हैव अनाउंस टू इंटेंसीफाई देयर एजुटेशन इंटेंसीफाई का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को भड़काना एग्रवेट करना तो यहाँ पे एजिटेशन की बात करी गई है एजिटेशन मतलब कोई आंदोलन कह सकते हैं प्रोटेस्ट कह सकते हैं तो यहाँ पे बात करी जा रही कहते इवन एज द फार्मर्स हैव टू दस देयर एजिटेशन अगेंस्ट द फार्म लॉज ड्यूरिंग द अपकमिंग मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट फार्मर्स हैं किसान हैं चाहे उन्होंने अनाउंस कर दिया था घोषणा कर दिया था क्या टू इंटेंसीफाई देयर एजिटेशन की वो क्या करेंगे बढ़ा देंगे किसको अपना जो आंदोलन चल रहा है उसको अगेंस्ट द फार्म लॉज कृषि कानून है उनके विद्रोह में ड्यूरिंग द अपकमिंग अपकमिंग आने वाले मानसून सेशन मीन्स मानसून सत्र की बात कर रहे हैं ऑफ पार्लियामेंट द सेंटर हैज अगैन रीच्ड आउट टू द प्रोटेस्टर्स एंड अटेम्प्टेड टू अले फियर्स टू अले का मतलब होता है कम करना रिड्यूस करना तो कहते हैं द सेंटर हैज़ अगेन रीचड आउट रीचड आउट का मतलब होता है पहुंच करना तो सेंटर ने क्या किया अगेन रीचड आउट मतलब दोबारा से पहुंच करी टू द प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्टर्स मींस जो प्रदर्शनकारी हैं उनको एंड टू अले देयर फियर्स और उनके जो डर हैं उनको अले करने की कोशिश करी यानी कम करने की कोशिश करी द मूव टू बोल्स्टर

तो यहाँ पे किसको सपोर्ट करने की बात हो रही है एपीएमसी मंडियों को थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट मेक्स इट एविडेंट दैट एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट सिस्टम एंड एमएसपी रिजीम रिजीम का मतलब होता है रूल्स आर हेयर टू स्टे हेयर टू स्टे मतलब हमेशा रहने वाले तो यहाँ पे बात करी जा रही है कहते द मूव टू बोलस्टर द एपीएमसी पी मंडीज कहते जो कदम उठाया गया है सपोर्ट करने का एपीएमसी पी मंडीज को फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम के द्वारा तो उससे ये स्पष्ट होता है दैट द एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट सिस्टम एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा प्रोक्योरमेंट सिस्टम यानी खरीद प्रणाली जो चल रही है एंड एम एस पी रिजीम जो एम एस पी के लॉज हैं आर हेयर टू स्टे मतलब ये ऐसे ही चलने वाले हैं लंबे समय तक द गवर्नमेंट हैड लॉन्च द ए आई एफ लास्ट ईयर लॉन्च मतलब प्रारंभ करना किसी चीज़ का ठीक है तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ए आई एफ को लास्ट ईयर विद द एम ऑफ और उसका क्या मोटिव था ऑफ फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स वायबल प्रोजेक्ट्स मीन्स ऐसे प्रोजेक्ट्स जो फिजिबल हैं पॉसिबल है जिनको करना पॉसिबल है तो गवर्नमेंट ने क्या किया ए आई कमेटी को ए जो फंड है उसको लॉन्च किया लास्ट ईयर क्या उसको ऑब्जेक्टिव था फैसिलिटेट करना इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को वायबल प्रोजेक्ट्स में जो पॉसिबल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें फॉर पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, इन दो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा है नेक्स्ट है दीज आर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर द ओनली सेक्टर दैट हैड हेल्ड इट्स ओन ड्यूरिंग द कोविड इंड्यूस नेशन वाइड लॉकडाउन लास्ट ईयर कहते ये स्टेप्स क्यों लिए गए थे इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर यानी कृषि को स्ट्रेंथन करने के लिए सपोर्ट करने के लिए मजबूत बनाने के लिए द ओनली सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं द ओनली सेक्टर दैट हैड हेल्डेड सोन हेल्डेड सोन का मतलब होता है रिटेन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन कि मतलब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी फिर भी हम डटे रहे तो कहते एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था चाहे जो लास्ट ईयर पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन लगा रहा फिर भी यह डटा रहा इट इज ऑल्सो

ठीक है द मोस्ट फेवरेबल या मोस्ट सूटेबल टाइम टू डू समथिंग किसी काम को करने के लिए बहुत उपयुक्त समय होना तब हम बोलते हैं द टाइम इज़ राइप तो कहते हैं इन व्यू ऑफ दीज डेवलपमेंट्स इन डेवलपमेंट्स के चलते द टाइम इज़ राइप फॉर द सेंटर जो सेंटर है केंद्र सरकार है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट टाइम है एंड द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनके लिए ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि वो क्या कर सके टू रिज्यूम टॉक्स कि वो आपस में बातचीत कर सके दोबारा बातचीत कर सके एंड एंड द स्टेल मेट स्टेल मेट ना बेसिकली चेस गेम में यूज होता है कि जब चेस के अंदर दोनों प्लेयर्स ऐसी पोजिशन में हो जब उनमें ड्रॉ हो रहा हो एंड द स्टेल मेट मतलब स्टेलमेट को एंड करो और किसी एक के हक़ में फैसला लेके आओ तो कहते इट्स वरिंग दैट नो राउंड ऑफ नेगोसिएशन हैज़ बीन हेल्ड आफ्टर द जनवरी 26 सिक्स वायलेंस कहते ये थोड़ा चिंताजनक है कि नो राउंड ऑफ नेगोसिएशन की कोई भी नेगोसिएशन कंडक्ट नहीं करी गई आफ्टर जनवरी 26 सिक्स वॉयलेंस होल्डर शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू सेव एग्रीकल्चर फ्रॉम बींग क्रिपल्ड बाय वन अपमैनशिप क्रिपल्ड बाय का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या स्वियरली डैमेज कह सकते हैं या माल फंक्शनिंग कह सकते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपंग होना पाहिज़ होना यानी कुचला जाना किसी चीज़ के अंडर वन अपमैनशिप अपमैनशिप का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर्स कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई एक पर्सन उसके हाथ में अनफेयर होल्ड आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज का तो उसको बोलते हैं वन अपमैनशिप मीन द प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग अनफेयर एडवांटेज सो दैट सेट यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल और इसके जो भी वर्ड्स हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन टेक्निक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आप कॉमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग this video.